हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रयोजनी पर। सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती यही हुई थी कि मैं ग्रुप डी और SSGD दोनों का बैच शुरू करने वाले थे। ग्रुप डी का मैं 3 क्लास लिया था और SSGD 5 अप्रैल से समय 9 बजे शुरू होने वाला था, परंतु यह क्लास यूट्यूब पर चल नहीं पाया। इसकी कारण सबसे बड़ी कारण यह थी कि मैं अपने स्टूडियो में BSNL का ब्रॉडकास्ट लिए हुए थे, वाईफाई जिसको हम लोग बोलते हैं। उस दिन से डेली आजकल 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 करते करते आज कर दिया। फाइनली मैं डिसीजन ले लिया हूँ कि मैं BSNL को सरेंडर कर रहा हूँ। और आप लोग से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो भी कोई काम कर रहे हैं BSNL का वाईफाई मत लीजिएगा। मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हुई। उनकी कस्टमर केयर काफ़ी घटिया है, खूब चुतिया बनाता है इंसान को, किसी के बात तो सुनता ही नहीं सुनता है। मैं काफ़ी हरिस्टेट परेशान हो गया हूँ। मैं काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम के झेलने के बाद आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। मैं काफ़ी मायूस हुआ। धीरे धीरे करके किसी तरह से मैं अपने आप को संभाला और फिर से मैं दूसरा वाईफाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो 13 अप्रैल को मैं बना रहा हूँ। 14 अप्रैल से इस बार किसी भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर वाईफाई सही नहीं हुआ तो मैं मोबाइल के इंटरनेट से फिर से मोबाइल से जैसे मैं पहले पढ़ाता था उसी पढ़ाऊंगा कि जरूर पढ़ाऊंगा। समय 8 बजे साइंस ग्रुप डी को लेकर और SSGD का फिर से वही 9 बजे। दो बैच में अभी स्टार्ट कल से करने वाला हूँ, दो बैच में और स्टार्ट करूँगा। उसका नोटिस मैं किसी दिन आकर जरूर दूंगा। अगर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब रिसोर्सेज की गलती है, पूरी गलती BSNL का है। पर आप लोग मेरी बात तो समझ थोड़ी सकते हैं, गलती तो कहीं ना कहीं मेरे से हुई है, क्योंकि भाई मैं क्यों BSNL का लिया, बहुत तरह बात है। मैं काफ़ी टेंशन में थे, काफ़ी परेशान भी थे, सोचे कि मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ अपने लोगों के लिए और फिर से मैं विश्वास जगाता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा। मैं जो आपके 10 दिन तो नहीं कर सकते, 7-8 दिन समय जो बर्बाद किया। अच्छी रनिंग में भी आपका साइंस का क्लास चल रहा था, बहुत लोग जुड़ भी रहे थे आप लोग से। कोई बात नहीं, भी एग्जाम में डिले है, GD का फॉर्म फर्स्ट वीक से जरूर भराएगा, मई के फर्स्ट वीक से। मैं सब चीज़ कंप्लीट करूँगा और मैं शुरू करूँगा। मैं आप सबसे निवेदन यही करता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज से कंटिन्यू रहूँगा, आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। मैं आपको साइंस और हिंदी पढ़ाकर दम लूँगा। बहुत सारे परेशानी का हर पिछले साल से झेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी करके हम झेले हैं तो वाईफाई को लेकर, इंटरनेट को लेकर। मैं इस गया शहर से हूँ, मुझे उतनी नॉलेज इस सब की चीज़ें में नहीं। मैं किसी भी प्रकार से लॉकडाउन खोली, थोड़ा बहुत पैसा जमा करके मैं फुल सेटअप, आपको वीडियो भी बनाए थे, फुल सेटअप कर लिया था। हर चीज़ उपलब्ध था मेरे पास, वाईफाई हो, एक स्पेशल रूम हो, स्टूडियो हो, एक स्पेशल कैमरा हो, स्पेशल लैपटॉप हो, सब चीज़ था, आज भी है। लेकिन फिर से कुछ हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा इससे पॉजिटिव नहीं मिला। मैं क्या बताऊँ, बताने लायक तो आप लोग के बीच हूँ नहीं, मैं आपके समय तो बार बार डिले कर रहा हूँ। पर फिर से मैं वही हाथ जोड़ता हूँ आप लोग से, आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग मेरी भगवान है। आप लोग को मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो किसे मैं पढ़ाऊँगा। मैं काफ़ी टेंशन में, मतलब कि वैसा टेंशन जिसमें सारी सुविधा रहने के बावजूद भी मैं काम नहीं कर पा रहा था। किसी भी तरह से बहुत सारा समस्या का झेलना पड़ रहा था। मैं बहुत अफसोस आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। बहुत तरह की बातें मुझे दिमाग में टपक रही थी। हमें लगा कि अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे इतना मानते हैं, इतना सराहते हैं, मेरी चीज़ को, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको पढ़ते हैं, लाइव पढ़ाता हूँ उसको, उनको पढ़ते हैं, मेरी बात सुनते हैं, जरूर आप लोग मेरी बात को समझ पाएगा। बहुत दिक्कत है, बहुत सारा बातें हैं, बहुत सारे टीचर स्टूडियो बनाने से पहले क्लास लेने की बात कही थी, पर धीरे धीरे कोई नहीं लिया। मैं भी फिलहाल फिर से अकेला हूँ, पर आपकी साथ चाहिए, आप हैं तो सब चीज़ है। आप ही तो आज जीरो से हीरो बनाए हैं किसी का भी।
ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, और बहुत सारा दिमाग में टेंशन चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। फिर से मैं संभालता हूँ, और फिर से 14 अप्रैल याद रखना, 8 से 9 साइंस और 9 से 10 आपकी हिंदी। बेसिक शुरू होगा साइंस में, पीरियडिक टेबल 3 क्लास हुआ था, चौथा क्लास से शुरू हो जाएगा आपकी हिंदी। 0 लेवल से शुरू होना था, शुरू हो जाएगा। मिलते हैं, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। धन्यवाद।